प्रश्न नंबर 26 इज सेइंग अ पार्टिकल एट द एंड ऑफ अ स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द टाइम पीरियड टी वन वाइल द करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ अनदर स्प्रिंग इज टी टू इफ द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ दिस टू स्प्रिंग इज इन सीरीज टी देन सपोज लेट्स से कोई तो फर्स्ट स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के वन है इसका टाइम पीरियड है टी वन which is nothing but 2 pi under root of m by k1. Similarly, एक कोई दूसरी स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट k2 है इसका टाइम पीरियड हमें बोला गया है 2 pi under root m by k2. तीसरे केस में हमें बोला गया है कि दोनों ही स्प्रिंग्स को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है k1 and k2. तो k equivalent will be K1 K2 upon K1 plus K2. So the new time period will be 2 pi under root of M upon K1 K2 into K1 plus K2. Now, हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा relation इसको best describe करता है. अगर हम यहाँ पर इसको basically directly भी लिखना चाहें, तो ऐसा लिखने में ज़्यादा अच्छा हमें महसूस होगा. M upon 1 upon k1 plus 1 upon k2. Now, अगर हम तीनों को स्क्वायर करके इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ें तो हम देखेंगे कि बेसिकली उसके इक्वल होगा विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज बेसिकली आर करेक्ट आंसर.